अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख। जैसे हम लोग पहली रिकात में सना पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जी और दूसरी रिकात में बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इस तरह से हम सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और पहली रिकात में सना, सना के बाद बिस्मिल्लाह, ये सना के बाद बिस्मिल्लाह। तो अगर मान लीजिए कि बिस्मिल्लाह और सना इसको तर्क कर दिया जाए तो क्या नमाज नहीं होगी? नहीं, सना दुआए सना जिसको कि दुआए इस्तिफ्ताह कहा जाता है, ये मुस्तहब है, ये वाजिब या रुकन नहीं है। अगर दुआए इस्तिफ्ताह आपने नहीं पढ़ा तो एक मुस्तहब चीज आपसे छूट गई, आप उसके अजर से महरूम हो जाएंगे, आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छा वाजिब नहीं है। ठीक है। और पहली रिकात में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, और पहली रिकात में, दूसरी रिकात में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह, वो क्या, वो उसको उसको तर्क किया जा सकता है? आपकी नमाज हो जाएगी अगर आपने सूरह फातिहा पढ़ा है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मतलब जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया तो हाँ नमाज आपकी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और ये सना वगैरह पढ़े तो मुस्तहब है, ये यही बात है ना? आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया तो हाँ नमाज आपकी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और ये सना वगैरह पढ़े तो मुस्तहब है, ये यही बात है ना? जी, वही बात मैंने कहा आपसे।